कुंती अपने जीवन में दुख के बहुत से रूप देखी थी, इसलिए वह चाहती थी कि किसी भी हाल में उनकी बेटियां पढ़ लिख कर इस अभिशाप से दूर रहे, और इसके लिए वह कठिन से कठिन परिश्रम करती थी। अरे सुबह हो गई है, जल्दी उठो, कॉलेज जाना है कि नहीं? हाँ माँ अभी आई, तैयार होके जल्दी से आ जाओ। रेनुका नहीं आई, कहाँ रह गई वो? वह तैयार हो रही है, बस आती ही हो। हाँ माँ मैं तैयार हूँ। ठीक है जल्दी से नाश्ता करो और कॉलेज जाओ, मुझे भी देर हो रही है। इसके बाद कुंती काम करने चली गई। काम सही तरह से चल रहा था, लेकिन पैर फिसलने से कुंती गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से रीमा और रेणुका का संसार ही उजड़ गया। अब क्या होगा दीदी, एक ही तो सहारा था, अब वो भी हमें छोड़कर चली गई, अब किसके सहारे जिएंगे? हिम्मत से काम लो छोटी, माँ चली गई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। रीमा किसी तरह रेणुका को समझा बुझा कर शांत करती है, लेकिन मन में एक सवाल था, अब पढ़ाई कैसे होगी? रीमा तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर दुख हुआ, मेरी संवेदना तुम्हारे साथ है, लेकिन बिना फीस के मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम जी मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कहीं से अरेंज करके फीस जमा कर दूंगी। और कितना समय दूँ? पहले से 4 महीने का फीस बकाया है। कॉलेज से कोई मदद नहीं मिलने के कारण रीमा ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और रेणुका की पढ़ाई जारी रखने की सोची। अब वह काम करने लगी जहाँ उसकी माँ करती थी। रीमा अभी तक तुम काम सीख नहीं पाई हो, और तुम जिस तरह से काम करती हो उसके लिए मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दे सकती। मुंशी जी पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। ठीक है जब तुम सीख जाओगी तो तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती। महीने भर काम करने के बाद भी रीमा को पैसे कम मिलते थे, अब इतने पैसे में वो घर चलाती या रेणुका के कॉलेज का फीस जमा करती? रेणुका क्या हुआ, अभी तक तुमने फीस जमा नहीं किया है? मैडम दीदी ने कहा है कुछ दिन बाद उसे पैसे मिलेंगे, बस मिलते ही जमा कर दूंगी। देखो तुम्हारी दीदी के कहने पर ही इतना दिन तुम्हें पढ़ाया, लेकिन अब समय नहीं दे सकती, तुम्हारा नाम कॉलेज से काट दिया गया है। मैडम ऐसा मत कीजिए, बस कुछ ही दिन की तो बात है। मुझे माफ कर दो रेणुका, मैं कुछ नहीं कर सकती, जब पैसे होंगे तो आ जाना, अभी कुछ नहीं हो सकता। रेणुका रोते हुए कॉलेज से घर आती है। क्या हुआ छोटी, तुम रो क्यों रही हो? दीदी मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और कहा जब पैसे होंगे तब आ जाना। इस तरह रेणुका की भी पढ़ाई बीच में छूट जाने से रीमा काफी दुखी हो जाती है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं रेणुका को पढ़ा ना सकी। इतना कहकर वह रोने लगी, तभी फोटो में से एक आवाज आई, तुम्हारी कोशिशों के लिए तुम्हें पूरे नंबर मिलते हैं बेटी, इसके लिए तुम्हें भरपूर कोशिश की जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह माँ की आवाज सुनकर दोनों चौंक जाती है। बेटी तुम दोनों अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारी सारी समस्या मैं दूर कर दूंगी। इसके बाद स्वर्गवासी माँ ने जादुई 2 कंगन उनको दिए और कहा ये जादुई कंगन तुम्हारी हर समस्या को दूर करेगी, ये जब तक तुम्हारे साथ है समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब दोनों बहनें अपनी पढ़ाई पूरी करो। इसके बाद उस जादुई कंगन की मदद से दोनों बहनों की पढ़ाई शुरू हो जाती है और आगे चलकर वे दोनों अफसर बनकर देश का नाम रोशन करती है।